नमस्कार दोस्तों, दस सुगम पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की इस पेशकश से आपको पश्चिम बंगाल की 297 सीटों का महापोल बताएंगे। यहाँ से दिल्ली का रास्ता तय होता है। यहाँ बहुत बड़ी सीटें हैं, यहाँ 297 सीटें हैं, बहुत बड़े विधानसभा क्षेत्र भी हैं। यहाँ से जनता ने जिनको सुनकर भेजा है, वहाँ उनकी सरकार भी बनी है। यहाँ जिसने भी जीता है उसने दिल जीता है। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी पार्टियां सक्रिय हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, रिवोल्यूशन पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, गोरखा जनमुक्ति पार्टी है, मोर्चा है, निर्दलीय भी है। यहाँ बहुत बड़े विधानसभा क्षेत्र हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी बीजेपी का यहाँ पर सहारा थे, जिसकी वजह से बंगाल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था और पार्टी को 18 सीटें भी मिली। हालांकि तब केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए लोगों ने वोट किया था और इस बार राज्य के लिए वोट करना है, ऐसे में परिस्थितियाँ बदली सी हुई हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियाँ मजबूत नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का उभरना कभी बेहद मुश्किल माना जाता था, लेकिन संघ और पार्टी से जुड़े नेताओं ने कड़ी मेहनत भी की है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2017 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 17% वोट के साथ कुल 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में न सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ा बल्कि सीटें भी बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2019 में पश्चिम बंगाल की 40.2% जनता ने वोट किया था, जिसकी वजह से भाजपा को 18 सीटें ही मिली। वहीं टीएमसी ने 2017 में 37 सीटें हासिल की थी और उसका वोट शेयर 39.7% था, लेकिन 2019 में टीएमसी को 12 सीटों का नुकसान हुआ है और साथ ही 22 सीटें भी मिली हैं। हालांकि उसका वोट शेयर बढ़कर 43.3% हो गया। बता दें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटें जीती हैं और उनका वोट शेयर था 40.91%। वहीं बीजेपी के हाथ 3 सीटें लगी थी और उनका वोट 10.16% था। अब बात है लोग विधानसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव में दीदी यहाँ पर सक्रिय है। पश्चिम बंगाल के चुनाव से करीब से देख रहे हमारे सर्वे सट्टा बाजारों का मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी बीजेपी का अच्छा सहारे बनकर निकले थे और वहीं भारत का प्रधानमंत्री चुने गए। साथ ही आपको अब बता दें कि अब बात है विधानसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की अब तारीखों का ऐलान भी पश्चिम बंगाल में जल्द होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा जिला राज्य उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल या मई में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में अब विधानसभा की सीटें सक्रिय बनी हुई हैं। जल्द ही हम आपके लिए एक सट्टा बाजार और सर्वे लेकर आएंगे, जिसमें कौन जीत रहा है, किस सीट से, ये भी बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप दस सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज दस सुगम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यही हमारी मेहनत की कमाई है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।